वेलकम टू मुगल रोड। और दुबजन यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा है, फिर पूरा 12 किलोमीटर। हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद शरीफ शोपियान, और ये है सामने हमारे मस्जिद। और यहाँ ख़रीदारी वगैरह भी हो रही है, कोई सब्ज़ी ले रहा है यहाँ से, कोई मीट ले रहा है। तो इस टाइम है हम शोपियान के फोरवे चौक में, और यहाँ से दिखाया है जामिया मस्जिद। अगर आपको जाना है तो लेफ्ट, मुगल रोड सीधा, अरबल सीधा। तो कुछ इस लोकेशन पे अभी हम रुके हैं जी, और सामने का नज़ारा आप देखो, ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये बोर्ड लगा है, इस बोर्ड के पास हम रुके थे। तो भाई जब आप शोपियान आए ही हो तो क्यों ना अच्छे से देख के जाओ। तो ये एरिया है शोपियान का हेलीपैड का, यहाँ पे जहाज़ वगैरह जो है वो उतरते हैं। और आज हमारा जहाज़ जो है बारामूला से आके यहाँ पे उतरा है डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हम एंटर कर चुके हैं, और पिछला एपिसोड आपने देखा होगा, हमारा ट्रैवल व्लॉग था पूरा नॉर्थ कश्मीर से पूरा साउथ कश्मीर तक। तो इस एपिसोड में हम शोपियान डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, शोपियान जो है स्टार्टिंग से ही चर्चा में रहा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, ये हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि चाहे बात करें मुगल्स के आने की या इमाम शाही हमदान के आने की, उन्होंने यहाँ इसी रास्ते से आके इस्लाम को फैलाया था। और शोपियान का जो पहला नाम था वो शीने वन था, यानी स्नो ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और ये हिली एरिया है। तो जब आप शोपियान में एंटर करेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी खूबसूरत जगहें देखने को मिलेगी, जैसे कि मुगल रोड, आप जा सकते हैं मुगल रोड की तरफ, पीर की गली, रजौरी, पुंछ वगैरह, यहीं से होते हुए आप जा सकते हैं। तो इस एपिसोड में मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफ़र को शुरू। आई थिंक 110-115 किलोमीटर ट्रैवल करके हम यहां तक अभी पहुंचे हैं। बस अब यहां से 10-12 किलोमीटर जो है मेन शोपियान का ब्रिज है, दुबजन ब्रिज, उसके बारे में भी सुना था, और हेलीपैड वगैरह कुछ शोपियान का, शोपियान की मंडी। दोस्तों मेन मार्केट में हम पहुंचने वाले हैं, बस 1 किलोमीटर रहा यहाँ से शोपियान का जो मेन मार्केट है, बस स्टॉप वगैरह, बस स्टैंड वगैरह जो भी है ना, यहाँ से 1 किलोमीटर तो सिर्फ कुछ ही दूर रह गया। यहाँ से लेफ्ट दिखाया है पिंजोरा, और हम पहुँच आए जी मेन मार्केट में। तो अभी हम हैं बोनगाम शोपियान में, और अब हम जाएंगे दुबजन ब्रिज की तरफ। तो यहाँ पे लगा देते हैं दुबजन। तो इस टाइम है हम शोपियान के फोरवे चौक में, और यहाँ से दिखाया है जामिया मस्जिद। अगर आपको जाना है तो लेफ्ट, मुगल रोड सीधा, अरबल सीधा, और यहाँ पे ये बोर्ड है आप देख सकते हैं। फिलहाल हम सीधे ही चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। जामिया मस्जिद लेफ्ट, इमाम साहेब लेफ्ट। तो यहाँ पे ये एक बोर्ड है, इस पे लिखा है जी वेलकम टू मुगल रोड। और दुबजन यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा है, फिर पूरा 12 किलोमीटर, अलीबाद 35 किलोमीटर, पीर की गली 41 किलोमीटर, बफ लिहाज 84, पुंछ 124, रजौरी 129, जम्मू 279 किलोमीटर। अभी हम एक बोर्ड के पास है, यहाँ पे दिखाया गया है कि मुगल रोड वगैरह कितना दूर है यहाँ से। अभी जहाँ पे हमने आज प्लान किया था कि हम दुबजन ब्रिज पे जाएंगे, तो यहाँ से अभी 20 किलोमीटर दिखा रहा है। तो किसी से पूछ लेंगे कि वो ब्रिज इसी साइड पड़ता है या किसी और साइड है, तो उसके बाद ही हम यहाँ से आगे जाएंगे और कहीं पर चाय वगैरह भी पी लेते हैं पहले, क्योंकि सुबह 7 बजे घर से निकले हैं। तो सबसे पहले चाय पीते हैं, वासिद साहब को भी चाय पिलाते हैं, फिर निकलेंगे हम आगे। पहले आगे चाय कहीं देखते हैं, यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा टाइम। दोस्तों इस टाइम जिस जगह पे हम रुके हैं ना, इसको कहते हैं हेलीपैड। जो लोग भी यहाँ पे पहली बार शोपियान आते हैं या यहाँ के लोकल लोग हों, यहाँ पे कुछ टाइम वो ज़रूर बिताते हैं। तो हमने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी आने से पहले, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकें और इन्जॉय करें इसको, क्योंकि यहाँ सामने का एरिया देखो आप, आगे आ जाओ कैमरा लेके। यहाँ का एरिया देखो कितना खूबसूरत है, पूरा ओपन एरिया यहाँ से पूरा।
तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं। यहाँ पे है जी गवर्नमेंट बॉयज अपर प्राइमरी स्कूल चौगाम शुपियन, ये बोर्ड लगा है। तो बॉयज प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे चौगाम में, और इस जगह को चौगाम भी कहते हैं। हेलीपैड नाम के साथ साथ इस जगह को चौगाम नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम अपना जहाज उड़ाते हैं, यहाँ से सीधा उड़ाते हैं इस हेलीपैड से और चलते हैं। शुपियन बाजार, तो ये हम शुपियन के मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहां से ऊपर जाते हैं जामिया मस्जिद की तरफ रोड। तो हम जामिया मस्जिद की तरफ चलते हैं। अब पहले से शुपियन के मार्केट से होते हुए आ गई जी आगे हमारे सामने जामिया मस्जिद। देखते हैं पार्किंग की जगह कहाँ पे है, तो गाड़ी पर अपनी पार्क करके चलेंगे हम जामिया मस्जिद की तरफ। और इस जगह को कहते हैं गोल चौक शुपियन। यहाँ पे घंटा घर है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं, मुड़ के वापस जामिया मस्जिद की तरफ जाते हैं इस गोल चौक से। तो ये हमारे सामने जामिया मस्जिद है, लेकिन इसकी गेट अभी बंद है। चलिए ऐसे ही थोड़ा नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से। तो ये रहा है आपका बोर्ड, हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद शरीफ शुपियन, और ये है सामने हमारे मस्जिद। मस्जिद के सामने पूरे बुजुर्ग लोग जो हैं सब बैठे हैं और यहाँ ख़रीदारी वगैरह भी हो रही है। कोई सब्ज़ी ले रहा है यहाँ से, कोई मीट ले रहा है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, मस्जिद भी काफ़ी खूबसूरत है। एक और मस्जिद है इसके साथ ही, वहाँ पे मेन बाज़ार है ये यहाँ का, और एक मस्जिद है वहाँ पे, वो अगर आप देख सकते हैं वहाँ पर एक मस्जिद है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों, फिलहाल चलते हैं यहाँ से वापस, क्योंकि यहाँ की गेट वगैरह जो है वो भी बंद है। और इंशाल्लाह फिर कभी जब आएंगे तब यहाँ पे नमाज भी पढ़ेंगे और अच्छे से अंदर से इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल बाहर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम मेन जो चीज़ें हैं उनको आज कवर कर रहे हैं, तो बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल चलिए निकलते हैं यहाँ से। आजो जी बैठो भाई। तो अभी हम आए हैं मीम रेस्टोरेंट पे, भाई का वेट करेंगे, डीसी ऑफिस के सामने ही है बिल्कुल। अब आसिद भाई को कुछ खिलाएंगे। हाँ जी, क्या खाना है? हाँ? क्या खाना है? चिकन बिरयानी। की और कुछ? अच्छा, पेट भरने के लिए। हाँ, इस टाइम पेट भरना है इसको। तो मेन्यू ये है मीम रेस्टोरेंट, जब भी यहाँ पे आए तो एक बार यहाँ पे जरूर ट्राई। बासित को लेग पीस पसंद है, इसीलिए इसको लेग पीस मिलिया। कैसा टेस्ट, कैसा है? जबरदस्त। तो दोस्तों फूड की अगर बात करें तो काफी टेस्टी था बिरयानी हमने खाई यहाँ पे, काफी मजा आ गया, पेट भी भर गया। अब थोड़ा सर्दी है, उसके ऊपर चाय वगैरह पियेंगे पहले, और उसके बाद भाई का भी वेट कर रहे हैं, उनको टाइम लगेगा। वैसे भाई चाय हो जाए, गर्म गर्म चाय हो जाए। आप इसको भी सर्दी लगी तो चाय पीते हैं, तब तक आप अपना एक क्वालिटी टाइम यहाँ पे बिता सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी, आप बुक्स पढ़ सकते हो, यहाँ पर टाइम बिता सकते हो। तो ये कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, 40 रूल्स ऑफ लव। तो लव में जो इंटरेस्टेड हैं वो ये पढ़ सकते हैं। और ये है जी द एसेंशियल रूमी। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप अपना अच्छा सा टाइम यहाँ पे बिता सकते हैं।
कर ले गर्मी।